नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा पहुंच गई है हरियाणा के रेवाड़ी शहर में। रेवाड़ी शहर जो अहिरवाल बेल्ट का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है, तो रेवाड़ी जिसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में और पिछले 5 साल से जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है उसके बारे में, इस बारे में रेवाड़ी के लोगों से हम बात करेंगे। हम रेलवे रोड मार्केट में आए हुए हैं, यहाँ तमाम लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ प्रत्याशी कौन है। भारतीय जनता पार्टी से सुनील यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के करीबी माने जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह वैसे तो टिकट मांग रहे थे यहाँ के जो सांसद हैं वो अपनी बेटी के लिए, मगर उनको नहीं मिला तो उन्होंने अपने करीबी सुनील यादव को टिकट दिला दिया। राव इंद्रजीत सिंह का परिचय मैं और दे दूं कि जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे राव बीरेन्द्र सिंह, ये उनके पुत्र हैं। और कांग्रेस की तरफ से हैं चिरंजीवी राव, जो कि कैप्टन अजय यादव के लड़के हैं, जो पिछली बार भले चुनाव हार गए थे मगर उससे पहले 6 बार लगातार विधायक वो यहाँ के रहे थे। कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास, जो इस बार मतलब अभी माना जाए तो यहाँ के विधायक हैं। पिछली बार बीजेपी के टिकट से लड़े थे, 6 बार से हार रहे थे कैप्टन अजय यादव से, और पिछली बार उन्होंने 7वीं बारी में कैप्टन अजय यादव को हराकर यहाँ पर बीजेपी का झंडा फहराया था, मगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ गए हैं। इस वजह से यहाँ का मुकाबला फिलहाल त्रिकोणीय हो गया है। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों से बात करेंगे कि बड़े मुद्दे क्या हैं रेवाड़ी के, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? मनोज बात कर रहा था, रेवाड़ी से हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं। मनोज, क्या मुद्दे हैं शहर में, किन बड़े मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है? सर, शहर का सबसे बड़ा मुद्दा अभी रेवाड़ी का जो चल रहा है वो एम्स को लेकर चल रहा है। एम्स से पहले भी मुद्दे रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर एक गाँव आता है मीरपुर, मीरपुर में यूनिवर्सिटी बना दी, लेकिन पिछले जो 5 साल रहे हैं, पिछले 5 साल में जो हमारे यहाँ से विधायक थे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, उस यूनिवर्सिटी की जो ईंट लगी थी उसके बाद एक ईंट नहीं लगी पूरे पिछले 5 साल में। तो अभी उन्होंने पार्टी से बागी हो गए, निर्दलीय पर्चा भर दिया है, अभी वो दोबारा वोट के लिए अपील करने जा रहे हैं, तो शायद उनका अभी ना चल पाए ये काम। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि भले वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी हो गए हैं, मगर उनके पिछले जो काम हैं उनके आधार पर उनको वोट नहीं मिलने वाला। पिछले उनके जो काम हुए हैं वो रेवाड़ी शहर की जनता खड़ी है यहाँ पे, कितना काम किया है, व्यापारी भाई जितने भी खड़े हैं यहाँ पे आप देखोगे तो चारों तरफ आपको व्यापारी भाई दिख रहे हैं। अभी जितने भी हैं सब के सब का धंधा चौपट पड़ा है। रेवाड़ी में बाजार में जितने भी व्यापारी बैठे हैं कोई भी भाई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसी तरह की इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो आप देखोगे कमर तक का पानी भर जाता है। सीवरेज व्यवस्था रेवाड़ी शहर में, सीवरेज व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है और माननीय विधायक जी ने रेवाड़ी शहर के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो क्या यही वजह थी उनका टिकट कट गया? उनका टिकट कटना एक राजनीतिक मुद्दे हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो राव इंद्रजीत सिंह का, रणधीर सिंह का, और रणधीर सिंह जी ने तो खुद कह दिया था पिछली बार कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर उन्होंने पता नहीं क्या ऊँचू मुट्टा और वो फिर बागी हो गए पार्टी से और फिर इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। उनका बागी होने से बीजेपी को फर्क पड़ रहा है यहाँ? बीजेपी के ही वोट कटेंगे, वोट बीजेपी के ही कटेंगे, उसके अलावा जितने भी टिकटार्थी हैं, निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं, वो अपना चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं। फायदा चिरंजीवी राव को होगा। चिरंजीवी राव का दूसरा परिचय मैं बता दूं कि वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, उनके जीजा हैं, लालू यादव के दामाद भी हैं जी। तो उनका चुनाव कैसे चल रहा है? चिरंजीव राव जी का, उनके जो फादर रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, उनका विकास अगर होता तो ना इतना पानी मिलता यहाँ पे, ना व्यापारी भाई सुरक्षित महसूस करते अपने आप को। इनसे पूछ के देखिए, कांग्रेस सरकार के टाइम में जो इनके साथ लूटपाट हुई है दिन प्रतिदिन, वो इन सब भाइयों ने देखी है, व्यापारी भाइयों ने, आप इनसे पूछ लीजिए कि किस तरह की, ये नहीं पता होता था, सीधी पिस्टल लड़ जाते थे दिन में, सरेआम लूटपाट होती थी कांग्रेस के राज में जी। कांग्रेस के राज में लूटपाट होती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार है, लेकिन मेरे को तो इस बार ये समझ में नहीं आ रही, खिचड़ी पक रही है या इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, घर में पता रखता है भाई चावल के अंदर मूंग की दाल डालनी है, चने की दाल डालनी है, यहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी दाल डाल दी इन्होंने। अच्छा, ये इलेक्शन कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? कौन कर रहा है ड्रामा? ये सरकारी करवा रही है। अच्छा भाई, उधर रणधीर सिंह की टिकट मिलनी थी वो बेचारा रूठ गया, उधर नरवीर सिंह को मिलनी थी वो रूठ गया, उधर अरविंद जी को मिलनी थी वो रूठ गया, आरती जी को नहीं मिली तो वो रूठ गया, वो अपने आदमी को ले आया थी जिसको हम जानते नहीं, शहर की पब्लिक, रेवाड़ी शहर की पब्लिक किसी को नहीं जानती,
उनके सुशील सुनील यादव की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उस कैंडिडेट को कौन जानता है? जब एक आदमी जानता ही नहीं, हम बुजुर्ग हैं, हमने उसकी कभी शक्ल ही नहीं देखी, रेप केस चल रहे हैं, फोटो नहीं देखी है, तो उसको हम कैसे वोट दे सकते हैं? और रहा व्यापार का मुद्दा, व्यापार तो बिल्कुल ठप पड़ा है, रो रहे हैं, कटोरा लेने वाले बैठे हैं। मोदी जी गंगा साफ करने आए थे, हमारा तो धंधा साफ कर दिया। हाँ, कैसे क्या, अब काम ही नहीं है बाजार में, कुछ व्यापारी लोग खाली बैठे हैं। पहले जब मोदी जी नहीं थे तब क्या था और अब क्या, फर्क क्या है? बहुत अच्छा काम था कांग्रेस के टाइम में, बहुत अच्छा काम था, हर लोग हाँ। लेकिन एक बात है, आज से 400 साल अंग्रेजों ने राज किया हिंदुस्तान पे, 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्या वही फिर दोबारा करने जा रहे हैं? कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लाना चाहते हैं, अंग्रेजों को लाना चाहते हैं, देश का क्या भट्टा बैठाना चाहते हैं? बोला जब ऑनलाइन सब चीज बिकेगा तो दुकानदार क्या बेचेगा यहाँ बैठ के? ऑनलाइन बिक रहा है सब कुछ, ये ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? मनोज चौहान। एक बात बताइए, जब मोदी ये नोट बंद करी, किसी कहा था कि नोट बंद हो रहे हैं? बच्चों के गुल्लक में पैसे पड़े हैं, जो बाद में फूटती है वो चलते नहीं है, कहाँ चलाएं फिर उसको? मोदी ये बताएंगे या कोई लोग बताएंगे? आप हुए तो बहुत साल हो गए, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव जीत भी गए, वो तो पैसे निकलते बाद में बच्चों के गुल्लक के फूट के, तो कहाँ जाते पैसे, कहाँ जाए, किसको दें, ये बताइए। अब हम बुजुर्ग के नाम युवा हैं, काम के लिए युवा हैं। क्या उम्र है आपकी? 40 साल। राजनीति में होते तो युवा होते। एक बात है, आप काम के लिए आते हैं, सर काम मिलता नहीं है, घर को वापसी आते टिफिन लेके, बीवी कहते क्या लिख के आए हो, क्या क्या बना के दूं, क्या खाओगे, क्या पड़ोसी क्या काम करते हैं, मजदूरी करता हूँ, तो मजदूरी अब नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है, खा लिया टिफिन लेके अपने जा रहे हैं, वापसी होटल लेके अपने घर जाकर खा लेंगे और क्या करेंगे? काम कहाँ रह गए ये बताओ, काम कहाँ है, मेरे को एक बात का जवाब दो, काम कहाँ पे है, है कहीं काम? वाह, बहुत बढ़िया। फिलहाल हम लोग मोदी सरकार से हट के अगर प्रदेश की बात करें, खट्टर सरकार, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हो गए, मोदी के नाम पे जो आप लोगों को करना था आप लोग कर चुके हैं, अब फिलहाल बताइए कि खट्टर के नाम पे क्या करने वाले हैं? खट्टर सरकार का जितना भी काम है, जितना भी काम है, व्यापारी भाई आपको अच्छी तरह से एक एक बात बताएंगे। मैंने देखा है, इनका दर्द देखा है, व्यापारी भाई की एक रेहड़ी लगा के खड़ा है चाय वाला खोखा, उसकी रेहड़ी हट गई, प्रशासन ने रेहड़ी हटाई, व्यापारी भाई उसके पास गया, बोला मेरे को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी से मिलो, रणधीर सिंह कापड़ीवास। सर राजीव सैनी सर, जो अब जो कहने कि कापड़ीवास जी कहते थे कि मेरे पास नहीं, मोदी को वोट दिया, मोदी के पास जाओ, चलो ठीक है, वो मैटर खत्म हो गया। अब जब दोबारा बीजेपी बनने वाली थी, पूरे बहुमत से आने वाली थी, जो रेवाड़ी के अंदर मतलब पूर्ण बहुत वोटों से जीतने वाली थी, उस समय किसी एक आदमी के कहने के वजह से जो गलत कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, उससे मतलब बहुत बदलाव आया है बीजेपी सरकार की। गोल गोल खेलना है कि किनके कहने से? किनके कहने सर? नहीं, वो एक बड़े नेता है, आप समझदार को इशारा काफी होता है। आप रेवाड़ी के हैं, ये जो सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो जनता है ये पूरे देश की देखेगी, उसको नहीं पता ना जी क्या नाम है? ये राव साहब शिव कुमार है, मेरी ये शॉप है, ये दुकान है, ये और ये शॉप है आपकी, ये रही जी सामने अलमारी कूलर बेचता हूँ मैं। ये सिर्फ राव साहब की वजह से टिकट कटी है या अरविंद यादव ने बहुत मेहनत करी है, 25-30 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, उनकी एकदम में टिकट काट दी गई है, वो 1,00,000 वोट कापड़ीवास नहीं नहीं, अरविंद यादव ने बहुत ही मेहनत करी है, दावेदार थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने क्या करा है कि इंद्रजीत ने उसकी टिकट काट दी गई है, और ये 1,00,000 वोटों से हम जीते और अब 1,00,000 वोटों से हम हारेंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी यहाँ इसलिए हारेगी क्योंकि प्रत्याशी ठीक नहीं? बिल्कुल गलत, ये मुसेपुर सुनील मुसेपुर की ना तो यहाँ पे उसकी खुद की वोट है और ना कोई पैठ है, उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं, उसके भाई खुद वीडियो करके भेज रहे हैं यहाँ पर, बहुत गलत गलत उसके नाम लगा रखे हैं, पर अब किसको वोट दें हम? अब हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे, हमारा बीजेपी का वो था, अब कांग्रेस की तरफ हम जाएंगे। क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? खाली नाम पे लड़ रहा है, सिर्फ थूक के पकोड़े तले जा रहे हैं बीजेपी के, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जो अरविंद यादव थे उनको टिकट नहीं मिली, वो इतने बढ़िया इतने अच्छे आदमी थे। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है। यहाँ पर जो उम्मीदें थी वो अरविंद यादव से थी, जिनको दूर दूर तक दावेदार हैं। हाँ जी, दावेदार हैं, मुकाबले तो इंसान ही नहीं। रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को भी टिकट मिलती तो वो भी बाहर जाते हैं, बाकी अब जो इनको टिकट दी है तो इससे जीरो हो गई है। कापड़ीवास जी काम कैसा था? अभी आप लोग एक तरफ कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अभी आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि काम खराब था,
अब आप कह रहे हैं प्रत्याशी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनको दी जाती वोट तो वो जीत जाते, क्योंकि बीजेपी से उनका भी नाम है और जिनको आप बीजेपी में लाए हैं उनका जीरो। क्या देख के वोट देते हैं आप लोग ये बताइए? हम आदमी देख के देखते हैं, आदमी कौन क्या खड़ा हो रहा है, क्या हमारी कोई समस्या है। सब लोग साथ बोलेंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। हमारे इस बाजार की कोई भी समस्या है हम उन्हीं के पास जाएंगे। हम मुसेपुर कहाँ पहुँचेंगे, हम उनको जानते नहीं है। कापड़ीवास से हम पहुँच जाया करते थे, इंदरजीत है इनके पास कहाँ से पहुँचो, राजा साहब है वो तो नजर ही नहीं आते यहाँ। अब इलेक्शन आए हैं 5 साल में खत्म, आप खत्म, वो तो एसी में लाल चेहरे हो रहे हैं उनके तो गुलाब की तरह। आप उतरे आप देखना काले हो जाएंगे 10-5 दिन में, खत्म बस। और क्या होना है, ये चले जाएंगे अपने 5 साल दिखते नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती, राजा साहब का वजूद खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं कि 5 साल दिखते नहीं है, तो फिर 19 का चुनाव कैसे जीते? 19 का सिर्फ मोदी की लहर पर, इंद्रजीत हमारे जहाँ के ये हैं केंद्रीय मंत्री, ये भी सिर्फ मोदी की वजह से जीते हैं। तो लोग बताते हैं कि भाई वो पूरे अहिरवाल के सबसे बड़े नेता है, उनकी बड़ी चलती है यहाँ पे। अगर बड़े नेता होते, एक मिनट, अगर सर उन्होंने कांग्रेस में थे जब बीजेपी ज्वाइन करी थी, अगर वो निर्दलीय लड़ते तो उनको उनकी औकात पता लग जाता कि वो कितने बड़े राजा हैं। इंसाफ मंच उन्होंने बनाया, इंसाफ मंच उन्होंने देखा कि भीड़ कुछ भी नहीं है, उन्होंने वो अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। बीजेपी में ना आते तो हार जाते, 101% हारते। ये तो बीजेपी उसके जो जीत का कारण मोदी बना था, और वो खाली देश। आप बताइए क्या कह रहे हैं? ऐसा था, लहर की बात बताता हूँ आपको। जनता में आपका सतीश कुमार, जनता पार्टी का इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, मोरोलाल सैनी था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, जनता की हवा थी, पैसे भी दिए, फूल थे। 77 की बात होगी ना, 77 की, हाँ सर, उसको पैसे भी दिए और मान भी करा, सम्मान भी करा। कोई भी विधायक आता है, सच्चा आता है ना, वो लहर में जाता है, लहर से जीता है, लहर से जीता था। उसके बाद में ये पार्टी जो अब ये कापड़ीवास जीता था, वो लहर से जीता था, अब जीत के दिखा दे। इंद्रजीत जीता, वो भी लहर से, वो लहर से जीता। सुनील यादव जीत जाएंगे लहर से? नहीं, देखो नहीं, नहीं, अभी लहर नहीं है, अभी लहर नहीं है, किसी की लहर नहीं है, अभी किसी की हवा नहीं है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। हमारे कप्तान साहब हरी बीमारी में कोई गुजर जाता है, हर गली गली में, हर चे उसमें चेहरे में जाते हैं। हाँ, हम कप्तान साहब में बहुत बढ़िया था, कह रहे पिस्टल लहराती थी, कहना तो चलो कोई नहीं, हम तो अब चिरंजीवी राव को ही देंगे, उनको ही खड़ा करेंगे। हाँ, कप्तान साहब के लड़के कोई यहाँ पूरे रेवाड़ी के अंदर 25 साल से जो अरविंद ने मेहनत करी है ना, यहाँ बीजेपी को खड़ा करा, यहाँ बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था। अरविंद यादव ने जितनी मेहनत खड़ी करी है कोई ही नहीं कर सकता। ये इंद्रजीत 5 साल पहले कहाँ था? ये इंद्रजीत इसमें था कांग्रेस में, इसने वहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया, अब यहाँ का कर देंगे बस, और क्या करना है। हमारे रेवाड़ी से बीजेपी फुल बहुमत से थी, एक गलत आदमी को टिकट देने, 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, तीनों बीजेपी पिछले चुनाव जीती थी। सर रेवाड़ी में अगर डॉक्टर अरविंद यादव जी, सतीश खोला जी, अमित यादव जी हमारे, और रणधीर सिंह कापड़ीवास, अगर किसी भी एक बंदे को वोट मिलती तो पूर्ण बहुमत से टिकट मिलती, तो पूर्ण बहुमत से आती है। और अब इस एक बहुमत से तो प्रदेश में आएगी ना, पूर्ण मतलब फुल मेजोरिटी में जीतती। और अब क्या हुआ है कि एक गलत आदमी को टिकट देने से जो फर्स्ट पे पार्टी थी, अब वो तीसरे नंबर पे पार्टी आ चुकी है। जो बोला जा रहा है प्रत्याशी, उसके बारे में दिन में भी अपडेट मेरे पास एक आया कि जेपी नड्डा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी की, वो शहर आए हुए थे मनाने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी में यहाँ पर आपसी विद्रोह सा हो गया है कि सुनील यादव को जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग ठीक से चुनाव नहीं लड़ रहे। तो जेपी नड्डा साहब आए थे, लोग मुझे मीडिया के थ्रू ये पता चला कि जो शहर का संगठन है उसमें तमाम लोग उस बैठक में पहुँचे नहीं, जबकि कार्यकारी जो देश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो आए हुए थे। तो फूट है यहाँ पे बीजेपी है, अभी टिकट देने की वजह से गलत राजा। प्रदेश की बात कर लें, आप कह रहे हैं यहाँ बीजेपी फूट है, मगर विपक्ष में जो है चाहे कांग्रेस हो या फिर इनेलो जो अलग टूट के अब जेजेपी बन गई है, उनके तो पूरे प्रदेश में फूट है। वो तो प्रदेश है, वो भुगतेंगे, वो भुगतेंगे। हमें तो सिर्फ अपनी रेवाड़ी को देखते हैं, जिसने मेहनत करी आज उसको बाहर कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये इंद्रजीत कितना जोर लगा ले, यहाँ से टिकट नहीं जीत, अपनी सीट नहीं जीत पाया, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाया। ये गोकल गेट दिखा है, गोकल गेट, अब ये कापड़ीवास था, वहाँ देखो 1-2 महीने हो गए खड्डे खोदे और इतना इतना नाला है, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आप चल के देखो, वहाँ कोई व्हीकल भी नहीं जा सकता। अभी तो आप लोग कह रहे हैं कापड़ीवास को दिया होता तो जीत गए होते, वो लहर में जीता था, सब लहर में। इस बार हाँ, इस बार नहीं जीतेगा। अच्छा। कोई मतलब नहीं, उसकी जमाने जपत है।
हाँ जी कापड़ीवास काम किया ने कापड़ीवास टिकट कट गया उनका वो लहर के अंदर गए आप लोग कह रहे हैं कापड़ीवास ने काम नहीं किया तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया बीजेपी तो ये भी कह सकती है नए आदमी को मौका दो ना सुनील यादव पहले तो ये बन जाएगा इंदरजीत फिर कप्तान भाई यही रह गए दो आदमी और कोई नहीं है क्या आप कुछ बात करते हैं क्या नाम है सर कपिल अग्रवाल क्या करते हो जी मैं जॉब करता हूँ जी मैं हरियाणा में रीजनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर हूँ उम्र क्या है तुम्हारी जी मेरी उम्र 31 साल यस सर जो तुम्हारी उम्र के लोग हैं युवा हैं वो क्या देख के वोट देने वाले हैं सर देखो मैं ओवरऑल हरियाणा के बारे में एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको ओवरऑल हरियाणा में मेरा पर्सनल मानना है मैं हरियाणा के किस किस डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ हरियाणा के अंदर बीजेपी की 60+ सीट आएगी मैं रिवाड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकता पर्सनल रहने वाले कहाँ के जी मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ राजस्थान सर्वे कर रहे हैं भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको मैं ओवरऑल हरियाणा के अंदर जाता हूँ जी मेरी जो भी टाइप की है मैंने आपको तो हरवा के बैठे हैं जी हमारे राजस्थान में तो जी एक नारा चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं तो वसुंधरा से नाराज की थी यहाँ पे भी नारा चल रहा है इन्होंने प्रदेश की बात कर दी कि वहाँ पे राजस्थान में विधायक वसुंधरा तेरी खैर नहीं यहाँ क्या खट्टर तेरी खैर नहीं की क्या है खट्टर तुझसे बैर नहीं इंदरजीत तेरी खैर नहीं बस ये नारा चल रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा मैं दावे एक साथ कह सकता हूँ 60+ सीट आएगी मैं राजस्थान को अच्छा ये बताइए अब थोड़ा प्रदेश की बात कर ले क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं तो प्रदेश के भी देखते होंगे प्रदेश में खट्टर साहब तमाम दावे कर रहे हैं ईमानदारी के दावे कर रहे हैं तो आपके हिसाब से वो दावे वाकई सही हकीकत है अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत कोई दोराय नहीं 5 साल से खट्टर सरकार उससे पहले 10 साल हुड्डा साहब थे तो 10 साल हुड्डा साहब के 5 साल खट्टर साहब खट्टर साहब खट्टर साहब क्या खास है ईमानदार हैं काम किया है उन्होंने क्या काम किया मुझे 4-5 काम बताइए भाई वो जो भी जनता उनके पास जा रही है नौकरी दी है उन्होंने सर उन्होंने यहाँ के काम रेवाड़ी के लिए भी बहुत काम किया है बताइए भाई यहाँ पे सारी सड़कें बनी है यहाँ बता रहे हैं लोग कि यहाँ पानी भर जाता है यहाँ पे आप सारे बाहर रिंग रोड पे जाओगे सब जगह पे अच्छा काम सारी सड़कें बनी हुई है रेड लाइट लगी है हाईवे सबको बिल्कुल बड़ा क्लीन कर दिया है और रेवाड़ी में हरियाणा में पहली जो सफाई के लिए मशीन क्लीन मशीन आई है वो रेवाड़ी आई है और वो भी उन्हीं की देन है अच्छा। मगर वोट बीजेपी को नहीं देंगे हम बीजेपी को हम नहीं देंगे काम अच्छा किया है प्रदेश में तमाम रेवाड़ी में वोट जो मुसेपुर जो वोट दी वो बनाया है उसको नहीं आएगा हमें अगर कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो मोदी हमारे लिए थोड़ा ना उठ के आएगा हमें तो एक रेवाड़ी शहर का एक विधायक चाहिए था जो एक गलत टिकट देने के कारण हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हम मुसेपुर नहीं जा सकते रेवाड़ी की जनता अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम चाहे कप्तान साहब हो चाहे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी हो अरविंद जी हो हम वहाँ जा सकते हैं आप रेवाड़ी के हर चौक पे किसी से भी उसका नाम पूछोगे तो आप बताओगे वो है कहाँ जिस कैंडिडेट को आप खड़ा किया है वो है कहाँ तेजस्वी यादव के जो तेजस्वी यादव के जीजा जी हैं चिरंजीवी उनका चुनाव क्या चल रहा है कैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है अच्छा हाँ वो बड़ा खास बात है क्यों पसंद आ रहा है मेहनत कर रहे हैं भाई मेहनत की है उन्होंने 6 साल से उनके पिताजी यहाँ पे जो 6 बार तो 6 बार विधायक रहे क्या दिलवाया क्या बड़ा काम करवाया उन्होंने के अंदर लाइटों का सबसे सेटअप उन्होंने जब उनके राज में था तो लाइट नहीं गई यहाँ पे आज लाइट जाती है कितनी लाइट आ रही है वैसे तो पूरी रात ही है पर 1-1.5 घंटे बीच में कट हो रहा है उनके टाइम पे कट नहीं हुआ पहले 24 घंटे आती थी अब नहीं आ रही बीच में कट हो रही है मॉर्निंग में भी 1-1.5 घंटा कट रही है शाम को भी कट रही है बाकी उस समय पे लाइट नहीं कटी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक में ही वो थे मंत्री थे कप्तान हारे क्यों वो लहर में आ रहे सब लहर में नहीं सब लहर में मोदी की लहर में आ रहे हैं नहीं किसी एंगल से नहीं हारते वो अच्छा ये बड़ी आप लोग मोदी की लहर की बात कर रहे हैं इस बार चुनाव में मोदी का इफेक्ट मोदी का लहर या राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं ना ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं 370 से ना नहीं कोई नहीं कोई नहीं तुम यार राजस्थान को नहीं नहीं हमारा 370 से पेट नहीं भरेगा हमें काम चाहिए रोजगार चाहिए बस ये चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए रोजगार कैसे आएगा रोजगार ऐसे आएगा जब काम धंधे खुलेंगे पैसे नोटबंदी का बहुत असर हो रहा है इस टाइम नोटबंदी का सर अभी तक है नोट है ही नहीं पैसे असर है क्या कैसे असर हो रहा है क्या पैसे नहीं है ना उन लोगों के पास तो पैसे नहीं है किसने ले लिया पोनी बट्टर नहीं करा सुबह से आप रोकड़ उठा लो मेरी चेक कर देखो पता लग जाएगा आप कह रहे हो सही कह रहे हो बस रोकड़ चेक कर लो पता लग जाएगा हो सकता है मैंने अभी पहले थोड़ी करा है वो गवर्नमेंट का नहीं वो तो ऑनलाइन की वजह से हो रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग सर मेरा नाम देशराज मेहरा है सर यो है कि मैं यो कहना चाहता हूँ ना किसान खेती करता है दिन रात मेहनत करता है ना पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है मगर किसान की कोई इज्जत नहीं है इज्जत किन लोगों की है टाटा बिल्ला मुकेश अंबानी जैसे कि नवीन मोदी विजय माल्या उन लोगों की इज्जत है
हिंदुस्तान में किसी की और इज्जत नहीं है। आप खेती किसानी करते हैं? हाँ जी, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ मैं। और रेवाड़ी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है सर ना, कि किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। क्या ध्यान देना? मोदी जी ध्यान देते हैं, कांग्रेस अरे वोट दिया जनता ने आतंकवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, मगर आज मोदी जी बोल रहे थे कि हाँ अरे 100 रुपये मांगते पुलिस वाले, ऊपर पहुँचाना है। आज 5,000-5,000 रुपये हो रहे हैं, 10,000-10,000 रुपये मांग रहे पुलिस वाले, किसके लिए? वो भी ऊपर मोदी के पास जा रही है, है ना? कोई फायदा नहीं हुआ सर, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है। और मोदी जी, अब बात आती है रेवाड़ी में कैंडिडेट्स की, हमारे जितने भी भाई हैं सब परेशान हैं। कप्तान साहब का विकास 6 योजना देखा सबने, माननीय विधायक जी का भी लास्ट में पिछले 5 साल देखा है, आज वो दोबारा झंडा लेके खड़े हो गए। अब बात आती है कैंडिडेट्स की, सुनील मुसेपुर बाहर से आ गया, अभी रेवाड़ी में एक ही कैंडिडेट है जिसके बारे में मैं 2 मिनट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, प्रशांत सन्नी यादव बुढ़पुर वाले, पार्टी से निर्दलीय कैंडिडेट है ये रेवाड़ी से। और आप किसी भी व्यापारी भाई से पूछ सकते हैं, गांव में जाके पूछ सकते हैं, इतने बच्चे से पूछ सकते हैं कि प्रशांत को जिसने फ़ोन किया वो रात को 11 बजे उसके घर पे, जहां पे उसको हॉस्पिटल में या उसकी कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो प्रशांत सन्नी यादव वहां पे खड़ा मिला है। व्यापारी भाइयों से आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। और आने वाले टाइम में रेवाड़ी से निर्दलीय विधायक होंगे और उनकी नाम तो आपके अलावा किसी ने लिया उनका अभी तक? निर्दलीय है एक भाई, देखो निर्दलीय निर्दलीय जो कंपटीशन में होता है उसका नाम आता है, मैं बताता हूं। है ना, आप दादरी जाओ वहाँ सोमवीर सागमान का नाम आता है, यहाँ आप आओ कापड़ीवास का नाम आ रहा है, निर्दलीय में जो लड़ रहा होता है उसका नाम आता है। नाम किस लिए आता है निर्दलीय? फाइट में होता है उसका नाम आता है। फाइट में नहीं, यहाँ पे फाइट की बात नहीं है, वो एक नीचे गरीब घर से उठा हुआ बच्चा है। ये चिरंजीव राव, कप्तान अजय सिंह यादव, सुनील मुसेपुर, राजा राव इंद्रजीत। बात आती है विधायक की, विधायक तो भाई विधायक ही है, 6-7 इलेक्शन लड़ चुके हो, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नेम सोनू जांगड़ा है, मैं करते हैं सोनू, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और क्या करते हैं यहाँ भाई? मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, मैं एज ए कर लग हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क, जो भी नौकरी आई उसमें लगी भाई। बेरोजगारी थी, बीजेपी ने नौकरी जरूर दी है, बेदाग छवि से आप ही वोट दें। कैसे एग्जाम, मतलब जो पारदर्शिता की बात हो रही है वो हुआ है? आपने तो पैसा नहीं लगा, एक भी एक पैसा नहीं लगा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े, मेरिट में नंबर आया, सिलेक्शन हो गया। हाँ जी सर, हमारे साथ ही लोग सबका ऐसे ही हुआ है। हाँ, मेरे साथ के जितने भी बैच के थे सारे बंदे ऐसे ही लगे हैं, एक पैसा लगा नहीं सर कहीं भी। पैसा नहीं लगने की बात कर रहा, पैसे पहले जो बात होती है, हाँ, पहले जो आज से पहले थी उड्डा गवर्नमेंट थी भाई साहब, 2 योजना लगातार राज करके गए हैं वो, कभी कोई रिटर्न नहीं होता था, बच्चों को यही नहीं पता होता था कि फॉर्म कब निकले और कब गए हैं। ठीक है, अब हर एक नेट से डिजिटल ऐसा कर दिया कि हर बंदे को पता चलता है अब कौन सी जॉब निकल ली है, कौन से फॉर्म अप्लाई करने हैं। ठीक है, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हम कैंडिडेट को नहीं, हम सरकार को वोट देंगे, क्योंकि हमने रोजगार दिया है बेरोजगारी में, इसलिए। तो जी, मैंने मतलब पूरी हरियाणा के अंदर मैं मिस्त्री हूँ, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा, तो मैं भी झोला साथ रखता हूँ, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, मजदूर हूँ, एक किसान हूँ। तो मोदी जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मेरा पूरा दावा है। क्योंकि क्यों बनेगी? कांग्रेस तो बड़ी फूट बता रहे हैं लोग हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अलग अपना गुट बनाए बैठे हैं, कुमारी शैलजा का अलग गुट है, तमाम गुट बन गए सर। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट, गहलोत जी, इन्होंने काफ़ी वो किया था, गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, ऐसे हुड्डा साहब है वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। क्यों चैलेंज कर? अरे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट कैमरा चालू रखो आप। क्या है भाई मोबाइल में आपके? पहले से आ गया क्या? ना क्या आने वाला रिजल्ट? क्या भाई, क्या जादू दिखाने वाले हो? मैं हर साल क्या है क्या चलो ठीक, हर साल 4 धाम यात्रा जाता हूँ, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भगवान से मांग के आए हो? चलो ठीक है, तो भाई रेवाड़ी के लोग क्या सोच रहे हैं इलेक्शन के बारे में? यहाँ पे जैसे कि आपने सुना कि बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर काफ़ी विवाद है, लोग प्रदेश में माहौल बता रहे हैं हरियाणा में बीजेपी का, मगर यहाँ के लोग जो रेवाड़ी के लोग हैं, रेवाड़ी सीट विधानसभा के लोग हैं, वो उतना खुश नज़र नहीं आते हैं। बीजेपी के जो टिकट बंटवारा उसको लेकर विवाद है, बाकी रिजल्ट क्या होगा, तेजस्वी के जीजा जीतेंगे कि इंद्रजीत के जो जिनके समर्थन से उनको टिकट मिला सुनील यादव वो आगे रहते हैं, या फिर
जो कापड़ीवास जो बीजेपी से विधायक थे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो जीतते हैं, ये तो वक्त बताएगा। बाकी हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे हर शहर का हाल, कहाँ पे क्या मिजाज है लोगों का, आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए dlallantop.com। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। साथ ही अगर आप ये टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं shop.dlallantop.com के नाम के एड्रेस में। शुक्रिया।